दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम ऑर्गेनिक डैशबोर्ड पॉलिश, टायर पॉलिश, बाइक शाइनर जो है ये लिक्विड हम बनाएंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसके ठीक राइट साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों इसके साथ साथ मेरा बुक है, ये जो प्रोडक्ट है, जितना सारा प्रोडक्ट मार्केट में चलता है इसके ऊपर बुक है मेरा। बुक अगर परचेस करना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है इसमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज ये सीख लेते हैं कैसे बहुत आसान तरीक़ा से हम बाइक शाइनर, डैशबोर्ड पॉलिश, टायर पॉलिश बनाएंगे। चलिए दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जो लगेगा ऑर्गेनिक एस टी एल 200 जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट है, ये थोड़ा सा ले लेंगे, मतलब 6 या 7 ml ये लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे सिलिकॉन ऑयल, ठीक है। सिलिकॉन ऑयल कोई भी सिलिकॉन ऑयल ऐड कर सकते हैं, सिलिकॉन 300, सिलिकॉन 1000, सिलिकॉन 500, थोड़ा सा ऐड करेंगे, देखिए थोड़ा सा, ठीक है, एकदम 3 ml होने से ही काम चल जाएगा। 2 से 3 ml ऐड कर देंगे, करके इसको मिक्स करना पड़ेगा। ये देखिएगा इमल्सीफायर बन जाएगा, अच्छा से मिक्स करना है, जैसे हम लोग फिनाइल बनाते हैं ना, इमल्सीफायर फिनाइल बनाने से पहले जो इमल्सीफायर बनता है ऐसे ही ये इसको इमल्सीफायर बनाना है। बन गया इमल्सीफायर, ठीक है। अब इसमें ना तो थिकनर ऐड करने का ज़रूरत है ना कुछ ऐड करना है, बस देखिए चुटकी में ये बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पहले पानी लेंगे, लेकर के इसको मिक्स करेंगे, धीरे धीरे ये एकदम गाढ़ा जेल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इमल्सीफायर है ना तो जेल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे से काम कीजिएगा, ठीक है। जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना गाढ़ा इसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी का बना, और भी इसमें हम पानी ऐड कर सकते हैं। ये ज़्यादा पतला नहीं होता है, ये थोड़ा इसको गाढ़ा रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिश है तो ये थोड़ा गाढ़ा करने से इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, ठीक है। देखिए कितना अच्छा बन गया। अब इसमें आप कलर ऐड कर सकते हैं, कोई भी कलर आपका मनपसंद कलर आप इसमें ऐड कर देंगे, बस एक ही बूंद काफ़ी है। ये ब्लू कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसे बाइक आप पॉलिश कर सकते हैं, टायर पॉलिश कर सकते हैं, डैशबोर्ड पॉलिश कर सकते हैं, सब कुछ आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। कितना आसान तरीका है, और शाइनिंग कैसा आता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और एक बात है दोस्तों, ये अगर आप एकदम क्रीम जैसा गाढ़ा करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस है, मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा बाद में, ठीक है। एकदम क्रीम जैसा हो जाएगा, ओके। ये थोड़ा पतला होगा लेकिन ये भी अच्छा है, गाढ़ा ही है, इससे भी बहुत टाइट एकदम क्रीम जैसा अगर बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं बाद में डालूँगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं।
कैसा साइन हो रहा है। ये देखिए इधर है ये, और इसको थोड़ा सा मैं कवर में ले लिया। पूरा ब्लैक कलर जैसा हो रहा है, देखिए। अंतर देखिए, तो देखा दोस्तों इसका कमाल, ठीक है। ये डैशबोर्ड पॉलिश कर देता है, टायर पॉलिश कर देता है, बाइक साइन कर देता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है। आप भी अगर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर में संपर्क कर सकते हैं, ये STL जो है आपको मिल जाएगा। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप किया है ऑलरेडी, कुछ लोगों को तो मैंने सैम्पल भेज दिया है और कुछ लोगों को बाकी है, मैं भेजूँगा, ठीक है। धीरे धीरे काम हो रहा है, बहुत सारा ऑर्डर मिल रहा है, तो सब इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय।